हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन करने का कौन कौन सा मेथड होता है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो देखेंगे आप लोग कि मेथड मेथड ऑफ वैल्यूएशन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल गुडविल का वैल्यूएशन करने का कौन कौन सा मेथड है, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में इसमें जो है बेसिकली तीन मेथड है। आपको आएंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होगा आपको कैपिटलाइजेशन मेथड। ये आपको तीन मेथड है। ऐसे एक एन्यूटी मेथड भी होता है, उस पर हम लोग को डिस्कस नहीं करनी है। ठीक है, तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, ये गुडविल को वैल्यूएशन करने का बेसिकली थ्री मेथड है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का कैसे वैल्यू कैलकुलेशन होता है, तो देखिए, सबसे पहले इस मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट मेथड की मैं बात कर रहा हूँ। इस मेथड से गुडविल इज इक्वल टू होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू होगा नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ एवरेज प्रॉफिट गुडविल इज इक्वल टू, इस मेथड से मैं बात कर रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल इज इक्वल टू होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो देखिए, ये जो आपको है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट क्या होती है। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सम ऑफ टोटल प्रॉफिट और डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ ईयर से। नंबर ऑफ ईयर का मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। जैसे देखिए, एवरेज प्रॉफिट निकालना कैसे, आपको क्वेश्चन में इस तरह दिया रहेगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग अच्छे से समझेंगे। एक दिया रहेगा आपको ईयर, यहाँ पे लिखा रहेगा ईयर्स दिया रहेगा। ईयर्स में मान कर चलिए फर्स्ट है, सेकेंड है, थ्री है, फोर्थ ईयर दिया, ठीक। यहाँ आपको प्रॉफिट गिवन रहेगा, ठीक है, ये ईयर हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। आपको दिया रहेगा यहाँ पे 150,000 दिया रहेगा, उसके बाद 250,000 दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज दैट 1,00,000
दो दो चार पाँच, यहाँ पर लॉस भी हो सकती है, ऐसा भी होगा सिचुएशन। उसके बाद यहाँ पे सपोज दैट 2 लाख प्रॉफिट दिया रहेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आपको कहेगा कैलकुलेट गुडविल, कहेगा कैलकुलेट गुडविल ऑन दी एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑन दी बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। मतलब कि यहाँ दिया रहेगा, नीचे दिखा दे रहा ना, कैलकुलेट कैलकुलेट गुडविल ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑन दे क्या ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज, ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरह आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ, देखिए आपको ईयर दिया 1, 2, 3, 4 और उसके बाद प्रॉफिट है 1.5 लाख है, 2.5 लाख है, 1 लाख लॉस है, 2 लाख। उसके बाद बोला कैलकुलेट गुडविल ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो ज़रा देखिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कतें नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप दिखाई दे रहा होगा नीचे भी, क्योंकि उस समय नहीं दिखाई दे रहा था। आप देखिए जरा ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो सबसे पहले हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले गुडविल चाहिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। देखिए सॉल्यूशन में मैं आ रहा हूँ, यहाँ से दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा ना सॉल्यूशन में। देखिए सबसे पहले आप निकालिए एवरेज प्रॉफिट, नीचे लिखावट नीचे करें ना। देखिए तो सबसे पहले मुझे निकालनी पड़ेगी एवरेज प्रॉफिट, दिखा दे रहा है। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट का मतलब मैंने बताया था कि सम ऑफ टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सम ऑफ टोटल प्रॉफिट का मतलब होता है ये जितना प्रॉफिट है सबको ऐड कर दीजिए। तो देखिए 1.5 लाख है, 1, 2, 3, 4 प्लस कितना है 2.5 लाख है, 2.5 लाख को मैं ऐड करूँगा प्लस यहाँ पर 1 लाख माइनस में, इसको मैं माइनस कर दूँगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पर माइनस कर दिया 1 लाख, चूँकि लॉस है 2, 3, 4, 5 प्लस 2 लाख, जहाँ पे लॉस होगा उसको हम लोग लॉस को लेस कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए क्या था फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो मैं सम टोटल प्रॉफिट को सम कर दिया, मतलब ऐड कर दिया। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना ईयर था, नंबर ऑफ ईयर कितना साल है, 1, 2, 3, 4 साल है, मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। अब इसको कैलकुलेशन करूँगा, देखिए 1.5 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख में से 1 लाख गया, तो 3 लाख, 3 लाख हाँ 2 लाख, 5 लाख, ये हो गया आपको 5 लाख। इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना होगा 1,25,000, ये आपको आ गया एवरेज प्रॉफिट। ये आपको निकल के आया एवरेज प्रॉफिट। अब होगा गुडविल, आप देखिए गुडविल इज इक्वल टू मैंने बताया था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपको गिवन है एवरेज प्रॉफिट, आपने कैलकुलेट कर चुका है 1,25,000 और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन है 2 और क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2,50,000, ये हो गया आंसर गुडविल इज इक्वल टू। आई होप कि शायद आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे, मेरे जो मैंने जो आपको क्लास लिया उसके बारे में समझ गए होंगे।
आज की क्लास इतना पे ही मैं ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। ओके बाय।